हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज हम लोग एचपी अलाइट के जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक एसिड यूज इन फूड प्रिजर्वेशन इंक्लूड खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त कार्बनिक अम्लों में शामिल है। हमारे पास ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, बोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोर्बिक एसिड। जो राइट आंसर रहेगा दैट इज योर सोर्बिक एसिड। सोर्बिक एसिड का जो रासायनिक फार्मूला रहता है दैट इज C6H8O2। बात करें यहाँ पे अदर प्रिजर्वेटिव की, इसमें हमारे पास बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और लैक्टिक एसिड का यूज भी फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। सोर्बिक एसिड की बात करें तो सोर्बिक एसिड हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को कम कर देता है और यह डिफरेंट फूड प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है, लाइक चीज, वाइन, फ्रूट जूस और जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। इसका यूज हम लोग मीट प्रोडक्ट्स में भी करते हैं। तो राइट आंसर रहेगा दैट इज योर सोर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है, हमारी एकेडमी के द्वारा एचपी पुलिस और एचपी टैट के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड इन विनेगर। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सिरके में एसिटिक एसिड का प्रतिशत कितना होता है। हमारे पास ऑप्शन है 2%, 4%, 10% और 12%। जो राइट आंसर रहेगा दैट इज 4%। बात करें यहाँ पे एसिटिक एसिड की, तो ये हमारे पास एक सॉरो लिक्विड होता है और इस ये हमारे पास इट इज मेड बाय द फर्मेंटेशन विच इंक्लूड सुगर दैट इज फ्रूट और वाइन। विनेगर की बात करें तो विनेगर का जो फार्मूला रहता है, विनेगर में एसिडिक एसिड जो रहता है दैट इज एसिडिक एसिड का जो फार्मूला होता है दैट इज CH3COOH, इसे इथनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, इथनोइक एसिड। बात करें यहाँ पे एसिडिक एसिड या विनेगर की, विनेगर हमारे पास जो कुकिंग मटेरियल होता है, एसिडिक कुकिंग मटेरियल होता है लाइक पिकल, उसमें यूज किया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन बी दैट इज 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सौरो टेस्ट ऑफ कोका कोला इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, कोका कोला का जो खट्टा स्वाद होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। हमारे पास ऑप्शन है एसिडिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। राइट आंसर की बात करें दैट इज योर फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का जो फार्मूला रहता है दैट इज H3PO4 और जो हमारे पास कोका कोला का जो सौरो टेस्ट होता है वो हमारे पास ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से होता है और यह एसिड हमारे पास जो बैक्टीरिया के बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को कम करता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन रहेगी दैट इज योर फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज यूज इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, सिल्वर ब्रोमाइड, ऑल ऑफ दिस। बात करें यहाँ पे फोटोग्राफी में, तो फोटोग्राफी में हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड का यूज भी होता है, सोडियम थायोसल्फेट का यूज भी होता है और ऑक्सैलिक एसिड का उपयोग भी होता है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन रहेगी दैट इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच एसिड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस प्लैनेट। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कौन सा अम्ल मौजूद है। तो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH। राइट आंसर जो रहेगा दैट इज H2SO4। H2SO का जो नाम रहता है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। इसे किंग ऑफ एसिड के नाम से भी जाना जाता है, किंग ऑफ एसिड के नाम से इसे जाना जाता है। हमारे पास जो वीनस प्लैनेट रहता है उसके जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो बादल हैं वो हमारे पास H2SO4 के बने हुए हैं और इसे ऑयल ऑफ विट्रोइल के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अदर ऑप्शन की, तो HCl जो हमारे पास फार्मूला है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और यह आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास HNO3 दैट इज योर नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है।
नेक्स्ट ऑप्शन सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल माना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एसिडिक एसिड, यह हमारे पास एक वीक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फायर क्रैकर विच कंपाउंड इज यूज, पटाखों में कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। बात करें राइट ऑप्शन की, दैट इज योर पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का जो रासायनिक फार्मूला रहता है दैट इज KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है फायर क्रैकर्स में। और जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज योर सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हमारे पास एक बेसिक सॉल्यूशन होता है, जिसका उपयोग हम लोग पानी की हार्डनेस को खत्म करने के लिए यूज करते हैं। बात करें यहाँ पे कॉपर सल्फेट की, कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, को हम लोग ब्लू विट्रोइल के नाम से जानते हैं, जिसे नीला कशिश या नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट को, इप्सम सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। हमारे पास जो राइट ऑप्शन रहेगी दैट इज पोटाशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन, कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण के नाम से जानी जाती है। हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ रबर, फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, फॉर्मेशन ऑफ सोप, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जो राइट आंसर रहेगा दैट इज फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल को हम लोग हाइड्रोजनेशन के नाम से जानते हैं। पूछा जाए इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, तो इसमें निकल, प्लैटिनम और प्लैटिनम का एलिमेंट का यूज किया जाता है एज अ कैटलिस्ट। बात करें फॉर्मेशन ऑफ रबर, तो इसे हम लोग वल्केनाइजेशन के नाम से जानते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ सोप को हम लोग स्पोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड को हम लोग फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। तो हमारा राइट आंसर रहेगा दैट इज फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द हैवी वाटर, भारी जल की खोज किसने की। हमारे पास ऑप्शन है थॉम्सन, चैडविक, रदरफोर्ड और यूरे। जो राइट आंसर रहेगा दैट इज यूरे। यूरे ने हमारे पास, यूरे और वॉर्सवर्न ने 1932 में D2O, जिसे हैवी वाटर के नाम से जाने जाते हैं, की खोज की है। यह हमारे पास हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है, ठीक है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, जिसे ड्यूटेरियम के नाम से भी जाना जाता है। इसका यूज, D2O का यूज हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, मॉडरेटर के रूप में करते हैं, जो न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करता है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा दैट इज यूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच सुगर इज नोन एज स्वीटेस्ट सुगर, कौन सी चीनी सबसे मीठी चीनी के रूप में जानी जाती है। हमारे पास ऑप्शन है फ्रक्टोस, सुक्रोस, ग्लूकोस, लैक्टोस। जो राइट आंसर रहेगा दैट इज फ्रक्टोस। बात करें यहाँ पे फ्रक्टोज की, फ्रक्टोज हमारे पास एक मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है, और सुक्रोज हमारे पास, सुक्रोज हमें सुगर केन से मिलती है, इसी वजह से इसे केन सुगर के नाम से भी जाना जाता है, और इसे इन्वर्ट सुगर भी कहा जाता है। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज को हम लोग डेक्सट्रोज के नाम से जानते हैं। ग्लूकोज हमारे पास मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल रहता है, और सुक्रोज हमारे पास डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है। बात करें यहाँ पे लैक्टोज की, लैक्टोज को हम लोग मिल्क सुगर के नाम से जानते हैं, और यह भी हमारे पास डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है, डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। हमारा राइट आंसर रहेगा दैट इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को सबसे मीठी चीनी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस यूज फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है। हमारे पास ऑप्शन है एसिटाइलिन, इथाइलिन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। जो राइट आंसर रहेगा दैट इज इथाइलिन। इथाइलिन का जो
केमिकल फार्मूला रहता है, दैट इज C2H4 डबल बॉन्ड H H N H H। ठीक है, और इसका उपयोग हम लोग हरे फलों को पकाने के लिए करते हैं। इस दिस अकर बिकॉज इथाइलिन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन गैस इन द एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। ठीक है, ये हमारे पास जो इथाइलिन होती है, इथाइलिन हवा में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है, जो फल को पकाने में सहायता करते हैं। तो हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा दैट इज इथाइलिन। थैंक यू, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।